हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आगे भी अच्छे रहेंगे। सो गाइस, गुड आफ्टरनून आप सब भाई लोगों को। एंड गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल की सेकेंड वीडियो में, जो कि लॉन्ग वाली है। एंड गाइस, मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड किया, शॉर्ट वीडियो, उन वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, सो उसके लिए थैंक यू। एंड आपकी जो मैंने लॉन्ग वीडियो फर्स्ट अपलोड किया था इस चैनल पर, उस पर भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा व्यूज़ आई है। सो आई मैं उसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ एंड आई होप कि आप लोग उसमें भी अच्छे से व्यू देखेंगे। एंड गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है कि रियल गेट 20 के ऊपर आप कैसे हर बॉल पे विकेट ले सकते हैं। बट गाइस, मैं आपको अभी से बता दूँ कि मैंने थंबनेल पे ऐसा डाला, बट ऐसा नहीं है कि आप हर बॉल पे, क्योंकि बल्लेबाज एक ना एक गेंद को लीप कर ही देता है, सो आप एवरी बॉल पे विकेट नहीं ले पाएंगे। बट इस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से विकेट ले पाएंगे। एंड बहुत ही अच्छी ट्रिक है और ग्लिच का इस्तेमाल करके ट्रिक है, यानी इसमें कोई हैक वगैरह का आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आईडी 100% सिक्योर रहेगी। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉस हो चुका है एंड सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है। हम लोग ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे, तो बॉलिंग भी वैसे अपन बॉलिंग के ही ट्रिक है, तो बॉलिंग ही करना चाहते थे, सो बॉलिंग अपन को वैसे ही मिल गई है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिक पे आपको सबसे ज़्यादा बॉलर्स अगर चूज़ करने हैं तो आपको स्पिनर्स चूज़ करने हैं, फास्ट बॉलर पे भी ये ट्रिक वर्क है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप हार्डकोर मोड और साथ ही साथ हार्ड, मीडियम, जिस भी मोड में इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, सब में ये वर्केबल है। यहाँ तक कि आप टेस्ट मैच में भी इससे विकेट ले सकते हैं, बट आपको पता है टेस्ट मैच में बहुत टाइम लगता है, सो लेकिन उसमें विकेट आपको गारंटी मिलेंगे। एंड उसकी भी अलग से ट्रिक में एक वीडियो बनाऊंगा टेस्ट मैच में, हाउ टू टेक विकेट इन टेस्ट मैच, तो उसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा। बट आज मैं आपको इसमें बता दूं, हार्ड कोर्ट मोड में भी आप ले पाएंगे। तो चलो मैं फटाफट से आपको आगे का बता देता हूँ सेटअप, मैं फास्ट कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा। सो गाइस, यहाँ पे अभी हमने युजवेंद्र चहल को ले लिया। एंड अब हम फील्ड सेटअप की बात कर लें, तो फील्ड सेटअप के लिए आपको लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको मैनुअल सेलेक्ट कर लेना है। एंड मैनुअल सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको जैसा मैं फील्डर जमा रहा हूँ सेम वैसे ही फील्ड आपको जमा देना है। मैं आपको इसमें दिख भी रहा होगा कैसे फील्डर को कहाँ कहाँ मूव करा रहा हूँ, वैसे ही आपको उसी पोजीशन पे फील्डर को लगा देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको फील्ड लगा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको आगे की ट्रिक बताता हूँ क्या है। सो गाइस, हमारा फील्डिंग सेटअप हो गया कंप्लीट। एंड अब आपको क्या करना है कि आपको बॉल ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन से दूर रखनी है। अगर आप उसके करीब रखेंगे तो मैं पहली बॉल आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ, पहली बॉल पे वैसे हिट तो करेगा नहीं, लेकिन वो आपको सीधा स्ट्रोक मार सकता है उससे, तो उसमें चौका या छक्का जा सकता है, सो आपको उससे दूर रखनी है। जैसा कि पहली बॉल उनने डिफेंस कर लिया, सो हमको यहाँ पे डिफेंस वाला नहीं, हमको यहाँ पे विकेट लेना है। तो पहला ओवर में आपको ऐसी बता दूँ एंड उसके बाद मैं आपको फटाफट दिखा दूँगा कि मैंने केसेस में 10 विकेट लिया है। सो सेकंड बॉल उन्होंने गुगली डाला अंदर आती हुई, तो उस पर भी उन्होंने डिफेंस कर दिया। बट फ्रेंड्स, अगर ये बैट्समैन अभी सेट होता तो इस पर छक्का या चौका मार देता सीधा का सीधा। सो अभी मैं इसको गेंद को बाहर निकालूंगा एंड आप देख लेना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये जैसे लीप किया उनने। एंड अगर इस पर वो प्ले करने की कोशिश करेगा ना तो सीधा विकेट जाएगा। तो चलो हम फटाफट से अब आगे का देख लेते हैं, ये ओवर ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं स्टिक को अच्छे से अप्लाई करता हूँ। तो ये ओवर फटाफट देखते हैं इस पर हिट कर पाता है कि नहीं। एंड गाइस, इस पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको हर बॉल पर तो विकेट मिलेगा नहीं, लेकिन आप कम से कम रन पर बैट्समैन को रोक देंगे, उसके बाद आपके बैट्समैन ईजिली उसको चेस कर सकते हैं। एंड गाइस, इस ट्रिक का अप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें मज़ा उतना नहीं आता, क्योंकि आप अगर इजी टारगेट चेस करेंगे तो आपके बैट्समैन को भी मज़ा नहीं आएगा एंड आपको भी बैटिंग में मज़ा नहीं आएगा। सो बेसिकली बिना ट्रिक के खेलने में और मज़ा आता है, बट कुछ पंदे ऐसे होते हैं जिनको चाहिए कि भाई हर बॉल पर विकेट मिल जाए। तो गाइस, हर बॉल पर विकेट तो आपको कोई भी चैनल में जो बोलते हैं ना कि हर बॉल पर विकेट, उनको बोले भाई आप लाइव सेशन में आके 10 बॉल पर 10 विकेट लेके दिखाओ, नहीं ले सकते कोई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैट्समैन लीप कर ही देता है, तो हर बॉल पे तो विकेट लेना पॉसिबल है ही नहीं। तो हम सेकंड ओवर शुरू हो चुका है हम लोग का एंड यहाँ पर आ चुका है कुलदीप यादव। तो इसमें साइड चेंज किया मैंने एंड यहाँ पे मैं गुगली, तो जैसा कि आप देख पा रहे एकदम वाइड लाइन पे है, लेकिन ये गेंद वाइड होती नहीं है, यही इस ग्लिच का है कि इसमें आप वाइड नहीं होएगी चाह के भी, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर जाएगी गेंद, बैट्समैन चाह के भी आपको हिट लगाने की कोशिश करेगा तो सीधा हाथ में, जैसे कि अभी आप देखना ये मारा और सीधा फील्डर के हाथ में, तो इस तरह से आपको विकेट मिलेंगी। एंड गाइस, मैं इसमें बता दूं कि आपको इसमें बीच बीच में कहीं पे चौके छक्के भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बैट्समैन जब विकेट गिनने लगते हैं तो नए वाले आते हैं जो वो सीधा सिक्स मारते हैं,
तो परफेक्ट टाइमिंग से मारते हैं, तो परफेक्ट टाइमिंग में अगर आपको उन्हें हिट किया तो फिर तो वो छक्का जाएगा ही जाएगा। बट इसमें आपको कम से कम रन मिलेंगे डिफेंड चेस करने के लिए, तो यही चीज़ है इस ट्रिक में। तो चलो हम फटाफट से विकेट ले लेते हैं। आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। दो बॉल पर हमको दो विकेट मिल चुके हैं। एंड अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये आया एक और बैट्समैन मिचेल मार्श, हम इसको भी पहली बॉल पर आउट करेंगे। दो बॉल पे तो दो विकेट मिल चुके हैं, अगर ये आउट हो गया तो अच्छी बात है, जैसे नहीं होगा क्योंकि पहली बॉल लीव कर सकता है, तो इनने अच्छा खेल लिया। तो जैसे कि गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें बीच बीच में सिंगल लेने की कोशिश करेगा, तो जैसे कि आपको बॉल की जो पेस है ना, पेस को एकदम स्लो रखना है। एंड अगर बैट्समैन आपकी बॉल को परफेक्टली हिट कर पा रहा है तो फिर आपको उसको चेंज ऑफ पेस कर देना है, यानी कि अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ी सी बढ़ा देना है या घटा देना है। जैसा कि अभी परफेक्ट हिट कर पा रहा है, तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं इसको एक बॉल ऐसी डालूंगा जिसकी स्पीड थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी बाकी डिलीवरी से। जैसे कि इसकी मैंने थोड़ी सी बढ़ाया है, एंड इस पर अभी आप देख पाना क्या रिजल्ट आया है, सीधा विकेट। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड गाइस ऐसे में आप फास्ट बॉलर से भी विकेट ले सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि फास्ट बॉलर की गेंद अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो वो या तो वाइड हो जाएगी या तो उस पर अपर कट मार देगा तो चौका चल जाएगा। सो उसके लिए उसमें आपको उसके ट्रिक भी है फास्ट बॉलर की, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो अच्छे प्लेयर ही कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर से तो आप इसी ट्रिक को अप्लाई करें, और अगर आप थोड़े से लेजेंड हैं तो आप फास्ट बॉलर से भी कर सकते हैं, जैसा कि अब युजवेंद्र चहल ने भी ले लिया ड्रिफर बॉल में, तो इसी तरह से आप विकेट भी ले पाएंगे। तो चलो गाइस हम फटाफट से विकेट ले लेते हैं, लास्ट में मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने बहुत ही कम रन पे इनको रोक दिया है, मात्र 63 रन बने हैं। एंड इसे मैं इजीली चेस कर सकता हूँ, 63 या 66 ऐसे कुछ बने हैं। एंड गाइस आपने देखा होगा लास्ट में दीपक चहल ने चार गेंद में चार विकेट ले लिया। सो मैंने जैसा कि आपको कहा था पहले भी कि इसमें आप फास्ट बॉलर से भी विकेट ले सकते हैं अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो। एंड गाइस आपको मैं बता दूँ कि आपको जब पावर प्ले एंड हो जाता है तो आपको इस टाइप का फील्डिंग सेटअप लगा देना, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं तीन फील्डर मैंने जैसे कि बाहर कर दिया, एंड एक फील्डर जो पहले से पावर प्ले में भी था एंड वो पावर प्ले के बाद भी वहीं पे ही रहता, जो पावर प्ले में अंदर थे प्लेयर मैंने उनको एक एक को थोड़ा सा बाहर कर दिया। सो उसमें ये फ़ायदा होगा क्योंकि पावर प्ले के बाद बैट्समैन और लास्ट ओवर में हिट करने आते हैं, तो हिट करते टाइम आपकी ये ट्रिक थोड़ी सी काम ना करे, इसलिए आपको इसको बाहर कर देना है फील्डर को, तो उसके बाद वो उठा के मारेंगे सीधा फील्डर के हाथ में जाएगी एंड आपको विकेट मिल जाएगा। और दीपक चहर को भी आपने देखे होंगे दो विकेट फील्डर से ही पकड़ा, फील्डर नहीं पकड़ा है तब मिला है। साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।